दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। अगर आपने बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा है और आगामी आयोजित होने वाली एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए हम लाए हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो आगामी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अगर आपने यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव को देख लिया तो आप 25 में से 25 ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी सेट का चयन किए हैं इसमें काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव है, आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। आप लोग जानते ही हैं कि टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से 25 क्वेश्चन आपको लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या चुनिए। यहाँ पर आपको है कि ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद है मलयालम, और उसके बाद है इंटेलिजेंस, उसके बाद है डिक्शनरी। तो यहाँ पर आपको जो होगा विषम शब्द वह होगा मलयालम, क्योंकि यह जो है आपको एक भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनमें से आपको भिन्न चुनना है कि सभी जो मैं इनमें से ऑप्शन में से भिन्न कौन है। तो यहाँ पर है नौका, उसके बाद नाव, पोत। अब ये तीनों जो है आपको पानी के ऊपर में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर विषम चुनना है तो पनडुब्बी क्या है, पानी के भीतर में चलते हैं, तो ये विषम हो गया। आप रीजनिंग को इजी तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है कि ऑप्शन को देखना है और चूज करना है कि डिफरेंट कौन आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ग, समलम, समांतर चतुर्भुज और बेलन। यहाँ पर देखिए वर्ग में भी चार भुजा होती है, समलम में भी चार भुजा और समांतर चतुर्भुज में भी चार भुजा होती है, तो इनमें डिफरेंट कौन होगा, इनमें होगा आपको बेलन। आप रीजनिंग को काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आराम से माइंड लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि AYRRJC CATTLE, यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो कह रहा है कि NCPDCAR और यहाँ पर व्हाट के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि AC, यहाँ पर AC, तो देखिए A और C एक के कितने लेटर बाद सी आता है, तो दो लेटर बाद, दूसरा दो लेटर बाद सी आता है, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कंपेयर करके आंसर देना है। तो N के बाद दूसरा लेटर क्या होगा, तो देखिए OP यानी P आएगा, तो आपको यहाँ पर देखिए P किस में नज़र आ रहा है, चार ऑप्शन यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद नेगलेक्ट है, उसके बाद परफेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए कि पी आ गया सी में ही, तो एन के दो अक्षरों बाद यानी दूसरा अक्षर जो होता है क्या होता है, पी होता है, तो इसलिए 34 का सी ऑप्शन आपको क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकुल और इसके बाद है कोलन अवमानित, जैसे व्याकुल और अवमानित जैसे समान है तो उसी प्रकार से भयभीत क्या होगा, आतंकित, ये दोनों जो होगा सेम चीज ही है, जैसे व्याकुल और अपमानित एक ही शब्द है, उसी प्रकार से भयभीत और आतंकित ये दोनों का भी मीनिंग सेम ही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि 29, 71 और 79 और व्हाट है, तो देखिए 39 दुनी 58 हो गया और 58 13 71 हो गया, उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि 79 × 2 158 होगा और 39 जोड़ेंगे तो आपको 197 आएगा, 36 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको संख्या दी हुई है, जैसे जोड़िए 3 2 5 4 9 5 14, 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196, उसी प्रकार से 3 1 4 2 6 5 11 का स्क्वायर 121,
चार चार आठ, दो दस, दो बारह का स्क्वायर 144। उसी प्रकार से है कि यहाँ पर नीचे में आपको 225 दे दिया है और ऊपर में वाट का चिन्ह लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि वाट का जो चिन्ह लगा दिया है आपको, यहाँ पर होगा क्या, तो वाट के चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर आप जोड़ लीजिए कि 6 2 8, 2 10 हो गया। अब 225, 225 का आप क्या कीजिए कि वर्गमूल निकाल लीजिए। आप 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे आपको 15 आएगा, और यहाँ पर आप संख्या को जोड़िए तो 10 ही होता है, तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, 5 आएगा। इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन, वाट का चिन्ह दिया हुआ है तो देखिए आपको अगली लाइन जो दिया हुआ है इनको ध्यान पूर्वक देखना है कि संख्या जो है किस प्रकार से रेंज है। जैसे 16 2 32, 16 6 96, यानी नीचे में जो संख्या है उसका 4 गुना होता है ऊपर वाले संख्या, तो उसी प्रकार से, नहीं सॉरी, 6 गुना होता है 16 6 96। उसी प्रकार से 24 नीचे में है तो 24 का 6 गुना, गुना कीजिए 6 6 24, 6 2 12, 2 14, इसलिए 144 होगा इनका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है कि 3 × 5 × 7 × 2 = है आपको 24। 24 है, अब देखिए कैसे 24 हो गया, 5 3 15, 7 2 9, तो 15 9 24। तो यहाँ पर जो है आपको दो संख्याओं को गुना कर देना है, और आपको करना क्या है कि ये अंत वाले दो संख्याओं को जोड़ करके और इस गुना वाले संख्या में जोड़ देना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है नीचे में जिनका जवाब देना है कि 4 × 4 × 8 × 9, इनका मान क्या होगा, तो 4 6 16, 9 8 17, तो 16 प्लस 17 कितना होगा, 33। तो 39 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा, ये आंसर होगा 33। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि रीजनिंग में होता क्या है कि आपको एक एग्जाम्पल, 3 या 4 एग्जाम्पल दे दिए रहते हैं, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, और उसके आधार पर एक क्वेश्चन को आपको बनाना होता है। जैसे यहाँ पर है कि 2 × 4 × 6 = क्या है, 4 है। तो देखिए 4 कैसे आ रहा है, 2 और 6 को जोड़ दीजिए 8 हो गया, और पिछला संख्या 4 को घटाइए कितना होगा, 8 में से 4 गया 4। उसी प्रकार से 9 और 7 को जोड़ेंगे 16 हो गया, 16 में से 3 गया 13। उसके बाद 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 हो गया, 7 को घटाएंगे 3 हो गया। तो उसी प्रकार से 9 और 8 को जोड़ेंगे 17 हो गया, और 17 में से 7 गया 10 होगा। तो इनका सही ऑप्शन ए होगा, आंसर होगा 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 0 है, वाट है 8 27 64 125। अब देखिए 0 का क्यू 0 ही हो गया, 1 का क्यू क्या होगा 1, 2 का क्यू 8 हो गया, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, और 5 का क्यू 125। इसलिए वाट के स्थान पर जो आएगा आपको 1 आएगा, क्योंकि 1 का क्यू करेंगे 1 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि BMX DNW FOU। तो यहाँ पर देखिए कि पहले आपको जो है दो आगे वाले जो मान है इनको देखिए, गौर कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको वर्ड दिए हैं, जैसे बी, बी के कितने लेटर बाद डी आता है, तो बी के 2 लेटर बाद क्या आता है, डी आता है। तो देखिए दूसरा लेटर बी का है, दूसरा बी के बाद दूसरा लेटर डी है, उसी प्रकार से एम, और देखिए एम एन, यानी एम के बाद का लेटर क्या है, एन है। उसके बाद है कि एक्स है और डब्लू है, इनमें तुलना कीजिए तो पहले कौन आता है। तो यहाँ पर देखिए कि एक्स जो है, एक्स तो एक्स का पहला लेटर क्या है, एक्स के पहले क्या आता है, डब्लू आता है। तो यहाँ पर पहले वाले लेटर को ले लिया गया है, और बीच वाले में देखिए कि बाद वाले लेटर को लिया गया है, जैसे एम एन, इसमें देखिए एक्स
उस प्रकार से चलना चाहिए तो वाई यहाँ पर होना चाहिए, वाई नहीं है यानी डब्लू है, तो इसका अर्थ है कि डब्लू एक्स, तो एक्स के पहले वाले लेटर को लिया गया है डब्लू। अब देखिए इनसे अब आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि एफ एफ है तो आप देखिए कि जैसे बी के कितने लेटर बाद डी आया था, तो दूसरा लेटर, तो उसके बाद ही एफ के दो लेटर आगे चलना है आपको, तो एफ के दो लेटर आगे चलेंगे तो देखिए क्या होगा, जी एच, उसके बाद एम एन, उसी प्रकार से ओ के जस्ट बाद कौन लेटर आता है, तो ओ पी यानी पी आता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी प्रकार से आप इन दो वर्ड का कंपेयर करके इनसे आप निकाल सकते हैं, इनका सही ऑप्शन आपको आएगा डी, आंसर होगा एच पी टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूशनलाइज, तो अब इनसे कौन सा जो है वर्ड नहीं बनाया जा सकता है इन लेटर्स का प्रयोग करके, तो इनका सही ऑप्शन जो आपको होगा वह होगा ए, न्यूट्रिशन जो है इनसे नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यही ऑप्शन ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर का प्रयोग है और ऊपर में जो आपको वर्ड दिए गए हैं उनमें देखिए आर नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एस्टिमुलेशन, अब एस्टिमुलेशन से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, स्टेशन है, नेशन है, मोशन है और माउथ है, तो इनका सही ऑप्शन आपको डी होगा, इसलिए होगा कि देखिए एस्टिमुलेशन में एच नहीं है किंतु माउथ में एच है। अगला क्वेश्चन, एक कुट भाषा में ट्रिपल को एस क्यू एच ओ के डी लिखा जाता है, उस कुट भाषा में डिस्पोज को किस प्रकार लिखा जाएगा, इनका सही ऑप्शन आपको ए होगा। अब देखिए कैसे होगा ए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी एस है, तो अब यहाँ पर एस जो लिया गया है तो टी से पहले कौन लेटर आता है, एस, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आप चूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए डी से पहले कौन लेटर आएगा, सी आएगा, तो यहाँ पर देखिए सी किस लेटर में, किस वर्ड में ऐसा कि सी पहले है, तो आपको ऑप्शन ए मिल जाता है। तो आपको जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको समय गंवाना नहीं है, सबको मिलान नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर सी मिल गया जो आपको ये तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है, तो डायरेक्ट इनमें टिक कर देना है, इसमें इससे आपको समय की बचत होगी। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर सी था और ऑप्शन में भी फर्स्ट लेटर सी ही रहता, तब आपको अगले मान को भी निकालना होता, लेकिन जब इस प्रकार का ऑप्शन आ जाए तो ये काफ़ी मज़ेदार होती है और काफ़ी आसानी होती है कि डायरेक्ट आप मार सकते हैं, अगले को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक कुट भाषा में ट्रांसफ़र को आर टी एन ए एफ एस आर ई लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में एलिफेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो दो लेटर को जो है पलट दिया गया है, यानी टी आर है तो आर टी लिखा गया है, उसी प्रकार से जैसे ई एल है तो आपको लिखना है एल ई, ई पी है तो आपको लिखना है पी, एच ए है तो आपको लिखना है ए एच, एन टी है तो आपको लिखना है टी एन, तो ये ऑप्शन जो आएगा आपको बी में आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक कुट भाषा में मोंको को 57637 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में के एल जे एम एन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलाएंगे, देखिए एम, देखिए के, इसमें है कि के एल जे एम एन का जो है आपको कुट भाषा में लिखना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि के लिए कौन डिजिट लिया है, तो के स्थान पर देखिए तीन है, तो इसलिए के स्थान पर तीन लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको है
उसके बाद देखिए जैसे के बाद क्या है, एल है, तो के लिए अगर 3 लिया गया है तो के एल, तो देखिए के एक लेटर बाद आता है। अब देखिए के बाद का लेटर है, एक लेटर बाद नहीं, के बाद का लेटर क्या है, एल है। तो उसी प्रकार से 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 4 आती है। उसके पश्चात देखिए एम, तो एम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 लिया है, 5 मिल गया। उसके पश्चात देखिए एन, एन के लिए किसका प्रयोग किया है, 6 का, तो 5 6। अब देखिए जे तो इसमें नहीं है मोंको में, तो इसलिए देखिए आपको 34 56, आपको ऑप्शन किस में मिल रहा है, बी में। तो इसलिए आपको ये जो होगा ए सी और डी, ये 3 ऑप्शन छट जाएंगे, आपको सही ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष, 1 और 1 एवं 2 दिए गए हैं। आप समान ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी कथन की पड़ताल सत्य समझ कर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, तो दिए गए कथन से निकलता है। कथन है कि आनंद कॉलोनी में कल दोपहर 12 बजे के पश्चात बिजली की आपूर्ति मरम्मत का कार्य शुरू किए जाने के कारण 3 घंटे के लिए बंद रहेगी। अब देखिए इन पर आधारित 2 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है कि आनंद कॉलोनी के निवासी अपने बिजली के उपकरण कल दोपहर 12 बजे से पहले प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है कि आनंद कॉलोनी के निवासियों को बिजली के मितव्ययतापूर्ण उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप कथन को सही से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि आनंद कॉलोनी में कल दोपहर 12 बजे के पश्चात, यानी 12 बजे के बाद बिजली की आपूर्ति मरम्मत का कार्य शुरू किए जाने के कारण 3 घंटे के लिए बाधित रहेगी। तो मरम्मत कार्य शुरू होगा इसलिए 3 घंटे के लिए बाधित रहेगी। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वह 12 बजे से पहले तक कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष जो है कि आनंद कॉलोनी के निवासियों को बिजली के मितव्ययतापूर्ण उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो देखिए कि कथन जो दिया गया है उनसे एक ही निष्कर्ष मेल खा रहा है, निष्कर्ष फर्स्ट। तो इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको ए होगा, आंसर होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट लागू होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आनंद अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर विद्यालय के पश्चात अपने पिता की दुकान पर पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने चाचा की मदद करने के लिए पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो स्वाभाविक है कि वह कितनी किलोमीटर मुड़ा था, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ा था। तो इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा 5 किलोमीटर दक्षिण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 उत्तर आकृतियों में से किसमें दिए टुकड़ों से दी गई प्रश्न आकृति को बनाया जा सकता है? तो 50 का सही ऑप्शन जो आपको होगा वो होगा आपको डी। चूंकि यहाँ पर देखिए कि आँख के ऊपर में जो 2 लाइन है तो ऊपर वाले लाइन छोटा होता है, आप लोग जैसे सोचेंगे कि ए भी हो सकता है, लेकिन छोटा वाला जो लाइन है देखिए वो क्या है, एक तो आँख में सटा हुआ नहीं है, दूसरा छोटा वाला लाइन नीचे में है, लेकिन वह फिगर में क्या है, ऊपर में है, इसलिए ये तो छट ही जाएगा। बी और सी तो कोई मेल ही नहीं खा रहा है, इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन, दी गई प्रश्न आकृति को घुमाने पर कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त नहीं हो सकती है? इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा, आप यहाँ पर आप देख ही रहे, क्योंकि सोचिए कि इन आकृति को आप घुमा रहे हैं, तो घुमाएंगे थोड़ा सा इधर मुड़ाएंगे तो देखो ये प्राप्त हो जाएगा, आप बी भी प्राप्त कर सकते हैं, आप डी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से सोचना कि आप
आपके पास आकृति है और सोचिए कि आप हाथ को घुमा रहे हैं तो कौन कौन आकृति प्राप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन है मानव पक्षी पशु, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि मानव पक्षी पशु, तो यहाँ पर देखिए मानव पक्षी पशु है तो मानव और पक्षी ये भी संबंधित नहीं है, मानव और पशु ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि मानव और पक्षी ये लगता है ये दोनों क्या है पशु है, तो ये पशु को अगर मान लिया जाए कि मानव और पक्षी ये दोनों क्या है पशु है, तो इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको ए हो सकता है। आप लोग इनका क्या सही आंसर निकालते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, तो देखिए तो तीनों में कॉमन कौन है क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, तो तीनों में देखिए कॉमन आपको एस है, इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको क्या होगा सी आंसर होगा एस। अगला क्वेश्चन प्रश्न आकृति आप देख ही रहे हैं, तो कह रहा है कि व्हाट के स्थान पर कौन सी आकृति आप पुट कर सकते हैं भर सकते हैं, इनका सही ऑप्शन आपको ए होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है आपको सुनिए यहाँ पर बाहर में है, लेकिन इसी प्रकार से इसके कोना कोनी डायगोनल में क्या होगा शून्य बाहर में होगा, इसलिए यह बी ऑप्शन छट जाएगा, सी तो डायरेक्ट ही छटेगा, डी भी छटेगा, इसलिए इनका ऑप्शन आपको ए ही होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह दर्पण MN क्या है दर्पण है, तो कौन सी आकृति बन सकती है, तो इनका सही ऑप्शन आपको क्या होगा सी होगा, दर्पण है, समझ लीजिए कि आप ऐना के पास कोई आकृति इस प्रकार की आकृति रखे हैं तो कौन सी आकृति बन सकती है, तो जस्ट पलट जाएगा, तो ये ऑप्शन जो आपको है तो ये इधर आ जाएगा और ये जो है आपका ये आपका इधर आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, चूँकि मैं बीएड कर चुका हूं इसलिए आपको बीएड से संबंधित सभी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। अगर आपने मेरे सीरीज के सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।